बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस। रिसेंटली कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमने पेरिटोनियम के बारे में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसकी टू लेयर्स होती हैं पेरिटोनियम की। इट्स लाइक फाइबरस लेयर, और जिसकी टू लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर इज पैराइटल पेरिटोनियम और इनर लेयर इज विसेरल पेरिटोनियम। मिजरल पेरिटोनियम जो है वो ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, जो कि मेसोथेलियल सेल्स से बनी होती है। और ये मेसोथेलियल सेल्स जो होती हैं ये फ्लूड सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स और लेयर्स के सेंटर में जो स्पेस होती है, पोटेंशियल स्पेस होती है, इसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। और वहां पे पेरिटोनियल फ्लूड होता है, ठीक है। अगर एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ फ्लूड हो जाए पेरिटोनियल कैविटी में, उसको हम साइटस कहते हैं। इस पैथोलॉजिकल कंडीशन तो उसकी हमने डिफरेंट देखा था कि उसके डिफरेंट फोल्ड्स होती हैं, लाइक ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम और मेसेंट्रीज हमने डिस्कस की थी। अब हम जो है डिफरेंट पेरिटोनियल जो है वो रिफ्लेक्शंस डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेसेंट्री। मेसेंट्री ग्रीक फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रीक जो है वो इसमें लाइक ग्रीक लैंग्वेज में इसको फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन और मेसेंट्री प्रॉपर इज अ ब्रॉड फैन शेप्ड ऑफ द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच सस्पेंड द कॉइल ऑफ द जुजिनम एंड इलियम फ्रॉम द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो जस्ट ये फैन शेप्ड फोल्ड होते हैं, ठीक है, जो कि जुजिनम, इलियम और पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल जो है उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। हमारी इंटेस्टाइन होती हैं उसको होल्ड करके रखती हैं जस्ट, और ये हमारी पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये है हमारी, दिस वन इज पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ये है वॉल। तो अगर ये वॉल है तो इसके साथ जो है ये ऐसे अटैच है, और इसके अंदर ऐसे ये स्पेस होती है, देन फिर स्पेस, और ये जो स्पेस है इसके अंदर हमारी जो है वो इंटेस्टाइन है, दिस वन इज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो इंटेस्टाइन है, मींस कि ये जस्ट वर्क करती है एज अ होल्डिंग मैकेनिज्म होता है, लाइक ये हमारे इंटेस्टाइन को होल्ड करके रहती है। तो इसमें भी देखें, दिस वन इज द डुओडेनो जुजिनल फ्लेक्सर, ठीक है। डुओडेनो जुजिनल फ्लेक्सर मीन्स के यहाँ पे बेंड होता है, लाइक इस तरह का जो बेंड होता है, ऐसे इंटेस्टाइन है, ऐसे बेंड होता है, ठीक है। इस बेंड को जो है हम क्या, इस बेंड को जो है वो फ्लेक्सर कहते हैं, इस एरिया को। तो ये वो एरिया है जहाँ पे डुओडेनम और जुजिनम जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, और डुओडेनम जो है वो जुजिनम में कन्वर्ट हो जाती है, उस एरिया को यहाँ पे फ्लेक्सर कहते हैं। ये वो एरिया है, दिस इज द मेसेंट्री विद द फोल्ड, ठीक है। दिस इज द स्पीरियम मेसेंट्रिक वेन। ओके, टेल मी कि स्पीरियम मेसेंट्रिक वेन कौन से गट को सप्लाई करती है? हमजा, स्पीरियम मेसेंट्रिक वेन सप्लाई विच गट? खदीजा, स्पीरियम मेसेंट्रिक वेन ड्रेन जो है वो कौन से ब्लड को ड्रेन करेगी? सेम उसी की अकॉर्डिंग है, जिस तरह हमने आर्टरी पढ़ी थी, सेम उसकी के अकॉर्डिंग जो है वो ये हमारे मिड गट को ड्रेन करती है, ठीक है। मिड गट को आपने इसको याद रखना है, मिड गट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी सिलियक सिलियक आर्टरी जो है वो कौन से गट को देती है, ये सप्लाई करती है फोर गट को, मेड को वेरी गुड, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को सप्लाई मिड गट, मेरी आवाज एंड बाद में जाती है, मैं पहले बता देती हूँ, लेकिन मेरी आवाज बाद में जाती है, मेरा नेट इश्यू है। ओके ओके इट्स ओके। तो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन सप्लाई विच गट? हाइंड गट, ठीक है, हाइंड हाइंड गट गट, को सप्लाई, वेरी गुड, हाइंड गट। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। तो इसी तरह जो हमारी स्पीरियर मेसेंट्रिक वेन है ये हमारे हाइंड मिड गट को जो है वो ड्रेन करती है, ठीक
ठीक है, और ये है रूट ऑफ मेसेंट्री, दिस इज द रूट ऑफ मेसेंट्री, और ये यूरेटर है, ये ऊपर किडनी से जो है वो नीचे आ रहा है। द अटैच्ड बॉर्डर, इसके अब हमने अटैचमेंट देखनी है मेसेंट्री की, आर द रूट ऑफ द मेसेंट्री इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड, एंड देखिए ये ऑब्लिकली नीचे को डाउनवर्ड मूव कर रही है, ऐसे नीचे को ऑब्लिकली है। एंड टू द राइट इट एक्सटेंड फ्रॉम द डुओडिनो जुजिनल फ्लेक्सर, दिस वन, कि इस एरिया से ये एक्सटेंड हो रही है डुओडिनो जुजिनल फ्लेक्सर से, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रा L2 टू द अपर पार्ट ऑफ द राइट सैक्रोइलियक जॉइंट, तो ये जो है वो ऊपर से नीचे यहाँ पे L2 वर्टिब्रा लेवल पे सैक्रोइलियक जॉइंट पे जाके जो है इस लेवल पे ऑब्लिकली मूव करती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, डुओडिनो जुजिनल फ्लेक्सर से नीचे जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है, टू द अपर पार्ट ऑफ राइट इलियोसिकल जॉइंट, ठीक है, वहां पे इसकी जो है ये लोकेशन है, ये अटैचमेंट है। तो काइंडली इसको आपने अच्छे से करना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। नेक्स्ट जो है कंटेंट ऑफ मेसेंट्री, अब मेसेंट्री के जो कंटेंट होते हैं उसमें कौन कौन सी जो है वो वेसल्स होती हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, देन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कॉइल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स के ये जो राइट येलो वाला है ये सारी मेसेंट्री है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स ये पास हो रही हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। देन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू और फैट्स होती हैं, सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स होती हैं, ठीक है, सिंपथेटिक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स थ्रू द इंटेस्टाइन, व्हाट इज द फंक्शन, पेरिस्टाल्सिस स्लो कर देते हैं, वेरी गुड, इट्स डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, ओके। देन है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होती हैं, अरेंज्ड इन द 3 ग्रुप्स, लार्ज मीडियम और स्मॉल ग्रुप्स में होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं ये लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली ये कंटेंट ऑफ मेसेंट्री, तो आपने जो है वो इनको अच्छे से करना है, याद रखना है कि कौन कौन सी होती हैं और जो है वो स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं, कंटेंट के नाम याद रखने हैं कौन कौन सी होती हैं। इसमें देखिए ये जुजिनल और एलियल आर्टरीज है, जब ये हम इंडिविजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे उसके ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें सारी ये क्लियर हो जाएंगे कौन सी होती हैं। और ये है आर्टरी आर्केड, ये आर्टरी आर्केड क्या होता है कि आर्टरी ऊपर से आ रही है और ऐसे ये डिवाइड हो जाती है लाइक ऐसे इस तरह और फिर आगे जाके ऐसे होती है, इस स्ट्रक्चर का कहते हैं हम आर्टरी आर्केड। तो इस एरिया में भी देखें कि ये डिफरेंट आर्केड्स होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी जो है वो डिफरेंट आर्केड्स हैं। देन है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसमें देखें देन है हम रिफ्लेक्शंस पढ़ रहे थे किसके, पेरिटोनियम के, और ये हमने मेसेंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है उसको मेसेंट्री कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा हमारी अपेंडिक्स जो होती है, ठीक है, अपेंडिक्स जो होती है उसकी जो मेसेंट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेसो अपेंडिक्स कहते हैं, मेसो अपेंडिक्स, इसको ये क्या है, ये इट्स अ मेसेंट्री ऑफ अपेंडिक्स, मेसो अपेंडिक्स कनेक्ट द अपेंडिक्स टू द मेसेंट्री ऑफ द इलियम एंड कंटेन द अपेंडिकुलर वेसल्स। इसमें देखें कि दिस इज द मेसेंट्री जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है, लेकिन जो ये इलियम है, इलियम जो है हमें पता है सीकम में अटैच होती है, दिस वन इज द सीकम, ठीक है, दिस एरिया, और ये है मेसोपेंडिक्स। ये मेसोपेंडिक्स जो है ये स्पेशलाइज पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो कि कवर करके रखता है हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को जो है कवर करके रखता है इसको, और इसमें जो है डिफरेंट हमारी ब्लड वेसल्स आती है, पेंडिकुलर आर्टरी आती है, इलियोकोलिक आर्टरी, और इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे स्पेशल एक आर्टरी होती है जिसको कहते हैं हम इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है, वो ऐसे मूव करती है, और इलियोकोलिक आर्टरी से एक स्पेशल आर्टरी आती है जिसको हम कहते हैं पेंडिकुलर आर्टरी, अपेंडिकुलर आर्टरी। अगर आपसे कोई पूछे कि अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो इलियोकोलिक आर्टरी।
अभी जस्ट इतना याद रखें, नेक्स्ट हम जब अपेंडिक्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा. दिस इज द असेंडिंग कोलोन, ठीक है. और व्हाट इज दिस, ये जो उबार है ऊपर लाइक ये जो है इसको कहते हैं हस्टेरिएशन. दिस इज द हस्टेरिएशन, ठीक है. और ये है हमारा टीनिया कोलाई, हमने फिजियो में पढ़ा था टीनिया कोलाई, ठीक है. तो ये है हमारा टीनिया कोलाई, ठीक है. और सीकम है, अगर सीकम में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको कहते हैं टिफलाइटिस. टिफलाइटिस इन्फेक्शन ऑफ इंफ्लामेशन ऑफ सीकम. और अगर वर्निफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस. ओके, टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर द टेंडरनेस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर टेंडरनेस इन द अपेंडिक्स. McBurney sign, McBurney point. Okay, where is the McBurney point? It is between the anterior superior iliac spine and the umbilicus, at the 1/3 laterally and 2/3 medially at that very point. Good. If this is the anterior superior iliac spine and this one is umbilicus, okay. तो इसमें अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ये ड्राइंग, और अगर हम इसको इस लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो टू पार्ट्स जो हैं वो टू पार्ट्स अगर हम 2/3 मीडियली हो, मीडियली, और 1/3 जो है वो लेटरली, तो ये जो पॉइंट होता है हमारे पास इसको कहते हैं हम McBurney point. This is the McBurney point. Or this is the point where the high tenderness present in appendicitis. Appendicitis. ठीक है. तो ये important point है, kindly आपने इसको remember रखना है. Next जो है transverse mesocolon. ठीक है. जो transverse हमारी colon है, लाइक असेंडिंग कोलोन है, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन है, जो कि ऐसे होती है, ठीक है. दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन. हमने इसके बारे में डिस्कस करना है, इसकी जो मीजो कोलोन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ब्रॉड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच सस्पेंड द ट्रांसवर्स कोलोन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है. तो इसमें जो है हम देखें, दिस इज द हेड ऑफ पेंक्रियाज, ये बॉडी ऑफ पेंक्रियाज है, तो इसके टेल ऑफ पेंक्रियाज है. दिस इज द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, तो इसके ऊपर जो है ये पूरी सरफेस के ऊपर ये जो मूव करती है ये स्ट्रक्चर, ठीक है. और ये हेड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन का लेफ्ट हेड है, और दिस इज द राइट हेड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन. इसमें के अंदर ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है. तो ये ऐसे मूव करती है. अटैचमेंट अब हमने देखना है. द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन इज अटैच टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ हेड एंड द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, ठीक है. देखें, हेड और बॉडी ऑफ पेंक्रियास के साथ अटैच है यहाँ पे, एंड द लाइन ऑफ अटैचमेंट इज हॉरिजेंटल. देखें, ये लाइन ऑफ अटैचमेंट पूरी हॉरिजेंटल है, मीन्स कि ये हॉरिजेंटल मूव कर रही है पूरी बॉडी के ऊपर, विद एन अपवर्ड इंक्लाइनेशन टूवर्ड द लेफ्ट, ठीक है. और ये जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती है, लेफ्ट की तरफ. तो देखें, आपका पेंक्रियाज जो है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे होता है ना, तो ये यहाँ पे स्टार्ट होती है, थोड़ा सा ऊपर को जाती है और लेफ्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है. नेक्स्ट जो है इसके कंटेंट हमने देखने को, कौन से कंटेंट होते हैं. इट कंटेन द मिडल कोलिक वेसल्स, द नर्व्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है. तो इसी के ये कंटेंट है, मिडल कोलिक वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन. काइंडली जो कंटेंट है और इसके अटैचमेंट है उसको अच्छे से आपने याद रखने के कौन कौन से होते हैं. नेक्स्ट जो है वो है सिग्माइड मेसोकोलोन, ठीक है. जो सिग्माइड एरिया है
अब डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो है वो एरिया आता है हमारा सिग्माइड कोलोन। अब उसके हमने देखा है कौन कौन से मेसो कोलोन के स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज द ट्राई एंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच सस्पेंड द सिग्माइड कोलोन फ्रॉम द पेल्विक वॉल। ठीक है, ट्राई एंगुलर, तो दिस इज द राइट लिम्ब ऑफ मेसो कोलोन सिग्माइड मेसो कोलोन, दिस इज द लेफ्ट लिम्ब ऑफ सिग्माइड मेसो कोलोन। ठीक है, तो ये एक क्या है, द रूट इज शेप्ड लाइक एन इनवर्टेड वी। अगर हम ड्रा करें तो ये एक इनवर्टेड वी शेप है, लाइक ऐसे दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स अपेक्स लाइज ओवर द लेफ्ट यूरेटर एट द टर्मिनेशन ऑफ द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो ये है यहाँ पे, ये है लेफ्ट यूरेटर, तो इसके ऊपर जो है अपेक्स पॉइंट है और ये टर्मिनेशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेशन कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी जो है उसकी टर्मिनेशन हो रही है। हमें पता है कॉमन इलियक आर्टरी कौन सी दो आर्टरीज में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। वेरी गुड, इट्स डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, द लेफ्ट लिम्ब ऑफ द इज अटैच अलोंग द अपर हाफ ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। के ये जो लेफ्ट लिम्ब है देखें, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, एंड द राइट लिम्ब टू द पोस्टीरियर पेलिक वॉल एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड एंड इमीडिएटली फ्रॉम द अपेक्स टू द मीडियम प्लेन एट द लेवल ऑफ थ्री वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा जो S3 है उस प्लेन पे आता है, ये वाला राइट साइड पे। ठीक है, ये थी डिफरेंट अरेंजमेंट और अटैचमेंट ऑफ द सिग्माइड मेसो कोलोन की। अब इसके कंटेंट हमने देखने, द सिग्माइड वेसल्स इन द लेफ्ट लिम्ब, सिग्माइड वेसल्स इन द लेफ्ट लिम्ब एंड द सुपीरियर रेक्टल वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स इन द राइट लिम्ब ऑफ द सिग्माइड कोलोन जो है ये होती है। ठीक है, तो ये आपने इसके स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं, और इसके बारे में जो है जो पॉइंट्स बताए गए हैं, इसकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, वो आपने इसको अच्छे से नोट्स बुक में आपने लिख लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन या ओमेंटल फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंस्लो इसको कहते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, अब क्या होता है, इट्स अ वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच द लेसर सैक कम्युनिकेट विद द ग्रेटर सैक। ठीक है, जो कि लेसर सैक हमने कल पढ़ा था, लेसर सैक और ग्रेटर सैक, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो कंबाइन लाइक कम्युनिकेट करते हैं, उस फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ विंस्लो कहते हैं या एपिप्लॉइक फोरामेन कहते हैं। फोरामेन इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम एट द लेवल ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा पे। ठीक है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, दिस वन इज 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, तो उस लेवल पे मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम के। ठीक है, तो दिस वन इज द, और ये है हमारे पास लेसर सैक। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेटर सैक होता है, इसमें लेसर ओमेंटम है। ठीक है, वो नहीं ग्रेटर सैक नहीं शो किया गया, लेकिन आपने जो है ये पॉइंट्स जो बताए गए हैं कि ये एट द लेवल ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा पे होता है, और ये जस्ट टू ओपनिंग्स होती हैं, लेसर सैक और ग्रेटर सैक, उसको जो है कंबाइन करके लाइक कम्युनिकेशन होता है उसमें। नेक्स्ट इसकी बाउंड्रीज हम डिस्कस करेंगे, ये जो एपिप्लॉइक फोरामेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियरली अगर हम देखें, दिस वन इज द इंटीरियर साइड। Interiorly, right free margin of the lesser omentum containing the portal vein, proper hepatic artery and bile duct. तो इसमें देखें, proper hepatic artery interiorly है, then bile duct है interiorly, ठीक है, और इसके बाद portal vein है interiorly इसकी होती है, then first part of duodenum भी interiorly होता है इसके। ठीक है, और ये है हमारे पास epiploic foramen, this one, ये structure जो है ये epiploic foramen है। ठीक है, इंटीरियरली हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, अब पोस्टीरियरली जो है इन्फीरियर वेना कावा एंड द राइट सुपरा रेनल ग्लैंड एंड द टी12 वर्टिब्रा होते हैं इन्फीरियरली।
ठीक है, इन्फीरियरली कौन कौन सी चीजें हैं, हम अगर देखें तो यहाँ पे राइट सुपरा रेनल ग्लैंड, ठीक है, सॉरी पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियरली है, इन्फीरियर वेना कावा, ये है इन्फीरियर वेना कावा, और राइट सुपरा रेनल ग्लैंड, ठीक है, दिस वन इज द सुपरा रेनल ग्लैंड एंड द 12 वर्टिब्रा, और दिस इज द 12 वर्टिब्रा, ठीक है, ये इसके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर स्पिरली, दिस इज द कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द लिवर, दिस इज द कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द लिवर, ठीक है, इसके स्पिरली होता है, ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सर्जरी जब आपने एब्डोमिनल सर्जरी करनी है तो ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं और फोरामेंस होते हैं, जिससे आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लाइगेट कर सकते हैं, लाइक जो भी प्रोसीजर आपने करना है, सर्जरी करनी है, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है ये। और उसके अलावा इन्फीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम एंड द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पोस्ट इन्फीरियरली होते हैं, ठीक है, दिस वन, और ये हॉरिजेंटल पार्ट, लाइक ऐसे पार्ट आते हैं तो ये आर्टरी का, हेपेटिक आर्टरी का हॉरिजेंटल पार्ट होता है, ठीक है, दिस वन। तो ये थी हमारी बाउंड्रीज ऑफ एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो आप काइंडली बता दें, ठीक है। नेक्स्ट है लेसर सैक और ओमेंटल बुर्सा, कि लेसर सैक क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रेटर सैक के बारे में। लेसर सैक, दिस इज अ लार्ज रेसिस ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी बिहाइंड द स्टमिक, सो दिस इज अ लेसर सैक, ठीक है, और ये है हमारा स्टमिक। By the way, what is the pronunciation, correct pronunciation of stomach? Yes, stomach. कुछ लोग stomach कहते हैं, कुछ लोग stomach कहते हैं। Stomach ही अच्छा लगता है, stomach तो अजीब तो लगता है। सही। कुछ लोग होते हैं वो stomach भी कहते हैं। मैंने सुना है, मेरे fellows थे कुछ, वो कह रहे थे stomach। मैं हैरान, मैंने कहा पता नहीं पहली बार मैंने सुना है। तो इसमें ये लार्ज रेसिस होती हैं, कहाँ पे होती हैं? Behind the stomach, ठीक है, it is closed all around, और ये caudate lobe of liver जो है इसके नीचे होती है, this is the caudate lobe, caudate lobe, ये इसके नीचे ये structure है, ठीक है, except in the upper part of its right border where it communicates with the greater sac through the epiploic foramen, तो इसके upper part के अलावा means के जहाँ से वो उसके साथ ग्रेटर सैक के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है। अब हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, इंटीरियरली जो है वो पेरिटोनियम कवरिंग द कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लिवर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इंटीरियरली होती हैं। और पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम इंटीरियरली प्रेजेंट होती है इसके, पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ स्टमिक दिस एरिया, सेकेंड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ओके टेल मी, सेकेंड लेयर जो है वो पेरिटोनियम की कौन सी लेयर बनाती है, नेक्स्ट सेकेंड लेयर फॉर्म विच लेयर ऑफ पेरिटोनियम, सेकेंड लेयर ऑफ पेरिटोनियम कन्वर्ट इनटू विच लेयर ऑफ पेरिटोनियम, भूल गए हो सब, नो नो नो, आई मीन हमने पढ़ा था ऐसे, दिस इज द फर्स्ट लेयर चेंज इनटू फोर्थ लेयर, this is the second layer, second layer change into third layer, ठीक है, तो इस तरह peritoneum का fold होता है, ये इस तरह है fold, like ऐसे, first layer change into fourth layer, second layer change into third layer, मैंने कल ये बहुत force किया था इसको कि याद रखना अपने, posteriorly जो चीजें होती हैं इसके, third layer of greater omentum, ठीक है, थर्ड लेयर ग्रेटर ओमेंटम एंड द पेरिटोनियम कवरिंग द इंटीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, तो ये थे जस्ट डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो कि हमने डिस्कस किए। तो अब हम जो है इसको डायग्राम देखेंगे कि लेसर सैक सीन आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स इंटीरियर वॉल, दिस इज द लेसर सुपीरियर रेस है लेसर सैक की, दिस वन, ठीक है, और उसके बाद this is the lesser omentum,
और ये है एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है, और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस इज द लेसर सैक, ठीक है, ये है लेसर सैक, और ये ट्रांसवर्स कोलोन हमने मेसेंट्री इसकी पढ़ी के रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसेंट्री, ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्स मेसेंट्री, और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडिनम है इसके फ्रंट पे, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। अब इंटरनल हर्निया इनटू द लेसर सैक, बाजुकात क्या होता है कि स्ट्रेंग जो है इंटरनल हर्निया थ्रू द एपिप्लॉइक फोरामेन, के इंटेस्टाइन हमारे इस फोरामेन के थ्रू जो कि स्टमक की मेसेंट्री होती है, ठीक है, उसके नीचे से जो है वो एपिप्लॉइक लेसर सैक में आ जाती है, ठीक है, लेसर ओमेंटम के नीचे से जो है वो मेसेंट्री निकल के लाइक हमारे इंटेस्टाइन निकल के आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होती है स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन क्या होती है, देखें अगर ये ऐसे बैंड है, ठीक है, ये ऐसे है, अगर इसके अंदर से जो है ऐसे इंटेस्टाइन निकल आए, इंटेस्टाइन, दिस वन इज इंटेस्टाइन, ठीक है, अब इंटेस्टाइन ये आ गई है, अब इसके ऊपर डेफिनेटली इसने कंप्रेशन करना है, जब ये कंप्रेशन करेगी तो ये जो एरिया है इसमें लेस, इस एरिया में लेस ब्लड सप्लाई होगी, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को भी कॉम्प्रोमाइज करेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम जो है वो स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंगुलेशन, कंप्रेशन लाइक कॉम्प्रोमाइज इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लूप ऑफ इंटेस्टाइन इन द हर्निया, ठीक है, कि कोई भी हर्निया जो है अगर उसमें जो ल्यूमन जो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है उसमें अगर ब्लड वेसल जो है उन कंप्रोमाइज हो जाए ब्लड सप्लाई, तो उस कंडीशन को हम स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। स्ट्रेंगुलेशन के बाद जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो नेक्स्ट उसका क्या फंक्शन होगा, नेक्स्ट उसमें प्रॉब्लम होगी, स्कीमिया हो जाएगा, वो डेथ हो, नेक्रोसिस हो जाएगी या गैंग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल हर्निया इनटू द लेसर सैक थ्रू द एपिप्लॉइक फोरामेन अप्रोच थ्रू द ग्रेटर ओमेंटम बिकॉज द एपिप्लॉइक फोरामेन कैन नॉट बी इनलार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अराउंड, तो ये हर्निया जो है ये हो सकती है। तो अब ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम एब्डोमेन को ओपन करते हैं या लैप्रोस्कोपिकली इसको रिमूव करके बैक करके यहाँ से डिफेक्ट जो होता है इसको क्लोज कर देते हैं, जस्ट ये इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज द होल लेसर सैक, पोस्टीरियरली जो है इसके पेंक्रियाज है और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन इसके पोस्टीरियरली है, और दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, और ये है लेयर्स ऑफ ओमेंटम, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर चेंज इन टू फोर्थ लेयर, ओके, सेकेंड लेयर चेंज इन टू थर्ड लेयर, तो ये काइंडली आपने इसको पॉइंट रखना है, माइंड में रखना है, बाजुकात क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। देन है सुप्राकोली कंपार्टमेंट या सब फ्रेनिक स्पेस, ये जो सारे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अब्डोमिनल कैविटी है, लाइक अब्डोमिनल कैविटी पढ़ रहे हैं हम, ये अब्डोमिनल कैविटी पढ़ने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ऑर्गन्स से है, क्योंकि पहले हमने ऊपर की सरफेस कंप्लीट की, वॉल्व कंप्लीट की, इंग्वेनल एरिया कंप्लीट किया, अब कैविटी जो है वो कंप्लीट करें लाइक कवरिंग वगैरह, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे लाइक कोई सारे ऑर्गन्स, पहले हम मैं एसोफेगस पढ़ाऊंगा आपको, फिर स्टमिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो है लिवर, पैंक्रियास, स्प्लेन, और उसके बाद जो है फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और फिर हम पेल्विक के ऑर्गन्स जो हैं यूट्रस वगैरह फीमेल्स में, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरीज वगैरह, ठीक है, सर्विक्स, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इसमें। सुप्राकोली कंपार्टमेंट सब फ्रेनिक स्पेसिस आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम इन रिलेशन टू द लिवर, ठीक है, दिस इज द सब फ्रेनिक, ये सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट या सब फ्रेनिक स्पेस मीन्स के ये है हमारा लिवर और ये है हमारी किडनीज, तो किडनी के ऊपर और लिवर के नीचे जो एरिया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सुप्राकोलिक, सॉरी सुप्राकोलिक मीन्स के इट्स नॉट, इट्स कोलोन, ठीक है, कोलोन के, ये है कोलोन, दिस इज कोलोन, कोलोन और हमारे लिवर के जो दरमियान जो स्पेस है,
कि लीवर के नीचे मीन्स के सब फ्रेनिक स्पेस, ठीक है, सब फ्रेनिक या हमारे डायाफ्राम के नीचे जो स्पेस होती है उसको हम सब फ्रेनिक स्पेस कहते हैं, उसके नीचे स्पेस या सुप्राकोली या हमारे कोलोन के ऊपर जो स्पेस है हम उसको डिस्कस करेंगे। जस्ट इसकी जो है आपने देखना है कि इसकी क्लासिफिकेशन, जस्ट नाम याद रखने है, इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द राइट पोस्टीरियर स्पेस, ठीक है, और ये होती है लेफ्ट इंटीरियर स्पेस, राइट इंटीरियर स्पेस, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, और ये राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस है, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट है दिस वन, और ये लेफ्ट था इंफीरियर वेना कावा ऐसे पास हो रही है, दिस इज द लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस, ठीक है। और द इंट्रा पेरिटोनियल स्पेसिस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जस्ट नाम याद रखना है आपने और इसके बारे में कोई नहीं है, जो इंट्रा पेरिटोनियम के अंदर होती हैं वो लेफ्ट इंटीरियर स्पेस, लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस, राइट इंटीरियर स्पेस और राइट पोस्टीरियर स्पेस, और जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस होती हैं जो कि पेरिटोनियम के बाहर होती हैं वो राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस, लेफ्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस, और उसके अलावा जो है वो मिड लाइन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस इज द नेम गिवन टू द बेयर एरिया ऑफ लिवर, ठीक है, बेयर एरिया ऑफ द लिवर के, लिवर के पोस्टीरियर सर्फिस पे एक स्पेशल एरिया होता है जो कि जिसको पेरिटोनियम कवर नहीं करती, ठीक है, पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती, उस एरिया को हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द लिवर, ठीक है। तो ये जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे जो कि डिफरेंट स्पेसिस थी जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, हम उनके उनको डिस्कस किया। अब है सब फ्रेनिक स्पेस शोइंग इन रिलेशन टू द ट्रांसवर्स कोलोन, तो दिस इज द सब फ्रेनिक स्पेस, ठीक है, कि कोलोन के ऊपर और लिवर के नीचे जो स्पेस है, या लिवर के नीचे या हमारे डायाफ्राम के नीचे, ठीक है, लाइक ये स्पेस जो है टोटल डायाफ्राम के मींस के मोस्टली डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे और कोलोन के ऊपर जो स्पेस है उसको हम सबफ्रेनिक स्पेस कहते हैं। अब इसमें देखें, दिस इज द लेफ्ट इंटीरियर सबफ्रेनिक स्पेस, लेफ्ट इंटीरियर सबफ्रेनिक स्पेस जो कि इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्प्लीन के अबव होती है, ठीक है। देन दिस इज द राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस, इसको मॉरिसन पाउच भी कहते हैं, ठीक है, दिस वन, और ये जो एरिया मॉरिसन पाउच, और दिस इज द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, ठीक है, और ये है लेफ्ट लैटरल पैराकोलिक गटर, मींस के जो कोलोन के इर्द गिर्द एक स्पेस होती है उसको लेफ्ट साइड पे जो है डिसेंडिंग कोलोन पे हो उसको लेफ्ट लैटरल पैराकोलिक गटर कहते हैं, और उसके बाद जो है वो राइट लैटरल पैराकोलिक गटर जो है वो राइट साइड पे होती है, ठीक है, और दिस इज द राइट इंफ्रा कोलिक कंपार्टमेंट, और ये है राइट इंफ्रा कोलिक कंपार्टमेंट, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे सबसे ये जो चीज़ें थी, और उससे पहले जो है क्लिनिकल कोरिलेशन डिस्कस करते हैं कि पेरिटोनाइटिस क्या होती है, इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन होती है पेरिटोनियम की। कॉमन काजेस में जो है मोस्ट कॉमनली क्या होती है, लीकेज हो सकती है फ्रॉम द हमारे जो परफोरेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी इंटेस्टाइन है, लाइक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में अल्सर हो, अल्सर हो होने के बाद यहाँ से फीकल मैटर जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आ चुके हैं, एब्डोमिनल कैविटी में जब आएंगे तो इंक्रीज इसमें होगी बैक्टीरियल ग्रोथ जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा या और जो है वो पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, और उसके बाद अपेंडिक्स अगर फट जाए लाइक ब्रस्ट हो जाए, इन्फ्लेमेशन होती है तो वो बाद औकात वो जो है वो ब्रस्ट भी हो सकती है जिसकी वजह से ये कंटेंट सारे हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जमा हो जाएंगे इस एरिया में और जो है इन्फेक्शन काज करेंगे, या पेनिट्रेटिंग वाउंड टू द एब्डोमेन, परफोरेटिंग अल्सर, ठीक है, लीक स्टमिक कंटेंट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी या लेसर सैक में, और पुअर स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी, ये सारी चीज़ें जो है लाइक अल्सरेशन जो है वो वहाँ से लीकेज हो चुकी है अल्सर, और उसके बाद पेरिटोनियल कैविटी वगैरह में अगर सर्जरी की है तो वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं की, इस वजह से क्या होता है इन्फेक्शन हो सकता है, और ये पेरिटोनियम का इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, इसमें हाई चांसेस होते हैं डेथ के, ठीक है। कैन बी ट्रीटेड बाय
राइजिंग द पेरिटोनियम विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन एंड गिविंग द एंटीबायोटिक, कि इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम एब्डोमिन को ओपन करते हैं, अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए ना, हम लार्ज इंसिजन देते हैं, लाइक पूरा एब्डोमिन ही ओपन कर देते हैं हम। ओपन करने के बाद हम जो है सलाइन के साथ उसको साफ करते हैं, लाइक जो कहते हैं अच्छे से धोते हैं, साफ करते हैं, लाइक वॉश करते हैं सलाइन के साथ, ठीक है। करने के बाद फिर हम हाई डोज एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और हम उस वक्त हम उसको छोड़ देते हैं। अब एब्डोमेन को खोलने के बाद जो है हम उसको कुछ एक या दो वीक के लिए ओपन रखते हैं, लाइक जब तक इन्फेक्शन जो है सबसाइड नहीं हो जाता, ठीक है, उतनी देर तक हम उसको बंद नहीं कर देते। अगर बंद कर देंगे, देखो अगर फिर इन्फेक्शन हो गया, हमारे ऑर्गन्स इन्फ्लेम हो गए, लाइक ऑर्गन्स इन्फ्लेम हो जाते हैं ना, तो वो अब्डोमिनल प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं, जिससे अब्डोमिन भी ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन को, क्योंकि अब्डोमिन में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक डिफरेंट रीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अब्डोमिनल जिसको कहते हैं अब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। अगर इसके बारे में आपने पढ़ना है तो यूट्यूब पे मेरी सर्जरी की भी